हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है आरा से हावड़ा तक का ब्लॉग है। हमने टिकट कटा लिया है और ये आरा का जो स्टेशन का बाहर का जो दृश्य है, इस प्रकार का आरा का जो स्टेशन है दिखता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो लाइन लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब कि खाना को जो प्रसाद के रूप में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि भूखों को मतलब खिलाया जाता है। तो आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा आरा जंक्शन है और आरा जंक्शन पर हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और फाइनली जो आपको वेट करते करते मन उब जाता है, तो इस प्रकार से कितनी गाड़ी आई और चली गई, लेकिन हमारी गाड़ी अभी तक नहीं आई। देखते हैं, देखिए हमारी गाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी है और इस प्रकार से हम इस गाड़ी में बैठेंगे। और देखिए हम अपने सीट पर बैठ गए और इस प्रकार से हमारी गाड़ी के अंदर का कुछ दृश्य इस प्रकार का है। तो ये जो है आपकी किस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें अभी उतना भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हमें सीट मिल चुका था। और बाहर का दृश्य मैं कुछ आप लोगों को दिखा दूँ, तो इस प्रकार का बाहर का दृश्य हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही सुंदर था। और मुझे लग गई भूख, इस कारण से मैं निकल पड़ा हूँ ट्रेन के बाहर से। यहाँ गाड़ी रुकी हुई थी तो इसलिए मैं यहाँ बाहर निकला हूँ। और यहाँ से मैं एक, देखिए मैंने एक परचेज़ किया और इसको मैंने, मतलब मुझे अच्छा लगता है बहुत ही। और इसके साथ साथ चाय की चुस्की लेना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। पेटिस के साथ साथ और चाय की चुस्की हो, क्या बात ही है। आप लोग को पेटिस के साथ साथ चाय को चुस्की लेकर के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है। तो ये जो परिसर है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर कबूतर को खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर से मैं अपने ट्रेन में बैठ चुका हूँ और इसका अगला जो पार्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगला पार्ट आप लोग देख सकें।